प्रिय मित्रों, आज हम सब भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा के पश्चात आप अनुप्रास अलंकार का अर्थ, उसकी परिभाषा, उसके भेद प्रकार एवं संबंधित उदाहरण देख पाएंगे, जान पाएंगे। मित्रों, हम लोगों ने पिछले अध्याय में अलंकार पर चर्चा की थी और उस दौरान हम लोगों ने देखा था कि अध्ययन की सुविधा के लिए अलंकार, जो काव्य का शोभा कारक धर्म है, काव्य की शोभा सौंदर्य बढ़ाने वाला धर्म है, उसके तीन भेद होते हैं मोटे तौर पर अध्ययन की सुविधा के लिए: शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार एवं शब्दार्थ या उभय अलंकार। शब्द अलंकार के अंतर्गत हम लोगों ने अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति इत्यादि को देखा था। अर्थ अलंकारों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। उसके अंतर्गत हम लोगों ने उपमा, रूपक, विभावना, काव्यलिंग, उत्प्रेक्षा इत्यादि अलंकारों को देखा था। और शब्दार्थ या उभय अलंकार के अंतर्गत हम लोगों ने वह संकर एवं संस्कृति की चर्चा की थी। हालांकि अलंकारों के स्वरूप को जानने के लिए शब्दार्थ अलंकार या उभय अलंकार गिना जाता है, माना जाता है, लेकिन आधुनिक साहित्याचार्य, आधुनिक विद्वान वास्तव में शब्दार्थ या उभय अलंकार को आज नहीं मानते। तो मित्रों, आज हम लोग शब्द अलंकार का जो प्रथम भेद है, अनुप्रास अलंकार, हम लोग आज उस पर चर्चा करेंगे। मित्रों, अनुप्रास का अर्थ होता है आवृत्ति, बार बार आना, एकाधिक बार आना, एकाधिक बार प्रयुक्त होना। अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति एकाधिक बार होती है। सानुप्रास वर्णों की आवृत्ति जब एकाधिक बार होती है तब वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। हम कह सकते हैं कि जिस अलंकार में वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, या वर्णों की काव्य में, साहित्य में एकाधिक बार आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं, सानुप्रास। इसके उदाहरण हम लोगों ने पिछली बार भी देखा था, बंदौ गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। बंदौ गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। इस चौपाई में मित्रों, पद और पद्म, पद पद्म में आप गौर करेंगे तो देखेंगे कि प एवं द वर्णों की आवृत्ति हुई है, प एवं द वर्ण की आवृत्ति हुई है, माफ करेंगे। एवं दूसरे चरण में सुरुचि सुवास सरस, सुरुचि सुवास सरस, यहाँ दंत स की तीन बार आवृत्ति हुई है, इसलिए इस चौपाई में अनुप्रास अलंकार माना जाता है। अब हम लोग अनुप्रास अलंकार के जो भेद हैं उन पर विचार कर लेते हैं।
तो मित्रों अनुप्रास अलंकार के जो मुख्यतः पांच भेद हैं वे इस प्रकार हैं, छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास एवं श्रुत्यानुप्रास। छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास एवं श्रुत्यानुप्रास। अनुप्रास अलंकार का जो पहला भेद है वह है छेकानुप्रास। छेकानुप्रास में किसी वर्ण की एक से अधिक बार एकाधिक बार आवृत्ति होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि उस वर्ण का किसी काव्य रचना में एक से अधिक बार प्रयोग होता है कवि के द्वारा ध्वनि संबंधी चमत्कार उत्पन्न करने के लिए। हम लोग एक उदाहरण देखते हैं, मुद मंगलमय संत समाजु जो जग जंगम तीरथ राजु। मुद मंगलमय संत समाजु जो जग जंगम तीरथ राजु। मित्रों इस उदाहरण में आप देखेंगे तो मुद एवं मंगलमय, मुद मंगलमय में मौ की आवृत्ति हुई है दो बार एक से अधिक, संत समाजु में दंत स की आवृत्ति हुई है एक से अधिक बार, एवं जग जंगम जो जग जंगम, जो जग जंगम में ज वर्ण की एक से अधिक तीन बार आवृत्ति हुई है। कुल मिलाकर के मुद मंगलमय संत समाजु जो जग जंगम तीरथ राजु इस चौपाई में म दंत स एवं ज वर्ण की एकाधिक बार आवृत्ति हुई है, अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ छेकानुप्रास अलंकार की उपस्थिति है। जो दूसरा भेद होता है अनुप्रास का मित्रों वह होता है वृत्यानुप्रास। वृत्यानुप्रास में एक वर्ण की आवृत्ति अनेक बार होती है, एक वर्ण की आवृत्ति अनेक बार होती है। उदाहरण हम लोग देखते हैं, काम कोह कलिमल करिगन के, काम कोह कलिमल करिगन के। आप देखते हैं यहाँ पर कि काम में क, कोह में क, कलिमल में क एवं करिगन में क, अतः माफ करेंगे यहाँ पर जो है क वर्ण की आवृत्ति चार बार हुई है, क वर्ण की आवृत्ति चार बार हुई है, काम कोह कलिमल करिगन के, अतः यहाँ पर वृत्यानुप्रास अलंकार उपस्थित है माना जाता है। जो तीसरा जो अनुप्रास अलंकार का जो भेद होता है वह है लाटानुप्रास। लाटानुप्रास में एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति होती है। अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति होती है छेकानुप्रास एवं वृत्यानुप्रास में, किंतु लाटानुप्रास में एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति होती है। उदाहरण हम लोग देखते हैं, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य शब्द की आवृत्ति दो बार हुई है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य है एक बार मनुष्य, जो मनुष्य के लिए मरे दो बार मनुष्य। तो यहाँ मनुष्य शब्द की जो आवृत्ति है वह एकाधिक यानी दो बार हुई है, अतः यहाँ पर लाटानुप्रास अलंकार माना जाता है। मित्रों अनुप्रास अलंकार का जो चौथा भेद होता है वह अंत्यानुप्रास होता है। अंत्य अनुप्रास, अंत्यानुप्रास नाम से ही स्पष्ट है कि इस अलंकार में जो वर्णों की आवृत्ति होती है वह प्रारंभ में नहीं होती है, अंत में होती है।
शब्द के अंत में उन वर्णों की उपस्थिति होती है एवं उनकी आवृत्ति भी अंत में होती है। जैसे हम लोग देखते हैं उदाहरण, खेद खेद खाती दी दारुण दलन को, खेद खेद खाती दी दारुण दलन को। अब देखिए खेद खेदी में द वर्ण की आवृत्ति अंत में हो रही है, हालांकि ख की प्रारंभ में भी हो रही है। खेद खेदी में ख वर्ण की आवृत्ति प्रारंभ में हो रही है लेकिन द वर्ण की आवृत्ति अंत में हो रही है। और फिर दारुण दलन, दारुण और दलन में द की आवृत्ति पूर्व में हो रही है लेकिन न वर्ण की आवृत्ति अंत में हो रही है। तो यहाँ खेदी खेदी में द वर्ण की आवृत्ति एवं दारुण दलन में न वर्ण की आवृत्ति अंत में हो रही है। तो द एवं न वर्ण की आवृत्ति इस उदाहरण में अंत में होने के कारण यहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार माना जाता है। और मित्रों अनुप्रास अलंकार का जो अंतिम एवं पांचवा भेद है वह श्रुत्यानुप्रास है। श्रुत्यानुप्रास में सुनने में अच्छा लगने के लिए, श्रुति मधुर लगने के लिए जो है कवियों के द्वारा एक ही वर्ण के वर्णों की आवृत्ति की जाती है, माफ़ करेंगे एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति की जाती है। वर्ग पांच माने जाते हैं हम लोगों के यहाँ हिंदी व्याकरण में, क वर्ग क ख ग घ ङ, च वर्ग च छ ज झ ञ, ट वर्ग ट ठ ड ढ ण, और त वर्ग त थ द ध न, प वर्ग प फ ब भ म। तो श्रुति अनुप्रास में एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति काव्य रचना में होती है, सुनने में आनंददायी भी होता है, सुनने में श्रुत्यानुप्रास मधुर होता है। तो हम लोग एक उदाहरण देखते हैं, दीनांत था थे दीननाथ डूबते, सधेनु अति गृह ग्वाल बाल थे। दीनांत था थे दीननाथ डूबते, सधेनु अति गृह ग्वाल बाल थे। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि तवर्ग के जो वर्ण हैं त थ द ध न की आवृत्ति यहाँ पर हुई है इस काव्य रचना में, इसलिए यहाँ पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार माना जाता है। श्रुत्यानुप्रास श्रुति मधुर प्रतीत होता है। इसका एक उदाहरण और है, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। तो मित्रों इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि जो अनुप्रास अलंकार है वह वर्णों की आवृत्ति परक अलंकार होता है, वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं, और जिस काव्य रचना में वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार के पांच भेद माने गए हैं, छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास एवं श्रुत्यानुप्रास। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।